आदाब, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूं एनसीईआरटी के लाइव फोन इन प्रोग्राम में। और आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं गालिब के खतूत के बारे में। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद मोअज्जमुद्दीन जी, जो कि एनसीईआरटी के भाषा शिक्षा विभाग में प्राध्यापक के औहदे पे कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर मोअज्जमुद्दीन जी। शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिर्जा गालिब के अनजाने पहलुओं के बारे में। क्यों ना हम अपनी चर्चा की शुरुआत मिर्जा गालिब के हालात ज़िंदगी के बारे में जान के करें। मिर्ज़ा गालिब का बहुत दिलचस्प शख्सियत का नाम है। इनकी पैदाइश 1797 अकबराबाद में हुई, जिसका आज नया नाम जो है आगरा है, या ये कह सकते हैं कि आगरा का पुराना नाम अकबराबाद 1797। इनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां है, इन लकब इनका मिर्ज़ा नौशा है, और पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब इख्तियार किया। तखल्लुस वो यानी कलमी नाम या पेन नेम कह सकते हैं वो है। ये आगरा में पैदा हुई, उसके बाद इन्होंने शायरी की इब्तदा 11 साल की उम्र में कर दी थी जो है। और इनके वालिद का इंतकाल बचपन में यानी 5 साल की उम्र में हो गया था, जो हैदराबाद आसिफुद्दौला लखनऊ के दरबार में थे। वहाँ से हैदराबाद गए, हैदराबाद से फिर अलवर आए। अलवर में जब राजा एक जंग में राजा दावर सिंह की जंग के साथ जंग में मारे गए जो है ये, तो इस तरह। लेकिन इसके बाद 5 बरस के बाद इनके परवरिश इनके चचा ने की, चचा 4 बरस के बाद चचा का भी इंतकाल हो गया। फिर ये ननिहाल में रहने लगे, ननिहाल से फिर जो है और 13 बरस की उम्र में इनकी शादी हो गई। ये बड़ा अजीब दिलचस्प वाकया है कि 13 बरस की उम्र में मिर्ज़ा गालिब की शादी हो गई और 11 साल की उम्र में इन्होंने शायरी शुरू की। उसके बाद फिर जो है शादी के बाद ये दिल्ली चले आए, यहीं मुस्तकिल तौर पर अपनी सुकूनत अख्तियार कर ली जो है। और इस दौरान इन्होंने शायरी के अलावा भी और बहुत से कारनामे अंजाम दिए हैं। मतलब कई किताबें उनकी फारसी नसर में भी है, फारसी में भी है, जिसमें दस्तंबो है, काबिले जिक्र है, और कातिब बुरहान है, मेरे निमरोज है, पंचदंग है। इस तरह से कई किताबें उन्होंने फारसी नसर में लिखी जो है। और इन्होंने उर्दू शायरी के अलावा फारसी में भी शायरी की है, और अपनी फारसी शायरी को उर्दू की शायरी से बेहतर वो खुद करार देते थे। लेकिन चूंकि उस जमाने में फारसी धीरे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी और उसकी जगह उर्दू जबान ले रही थी, तो उर्दू जबान उर्दू आवाम की जबान बन गई थी, इसलिए इनको शोहरत जो है उर्दू शायरी के ही हवाले से मिली। तो ये इस तरह। इसके बाद इनका 1869 में इनका इंतकाल दिल्ली में हो गया, और दिल्ली में निज़ामुद्दीन की दरगाह के पास वहीं पे ये दफन है जो है। ये इनके मुख्तसर तौर पे हालात ज़िंदगी हैं। तो सर, आपने बात करी, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ही पहले शायरी लिखना स्टार्ट कर दिया था, जी। तो ऐसी कुछ और भी लेख या कुछ और भी काम इन्होंने किए हैं शायरी के अलावा? नहीं, शायरी को बताया ना कि फारसी में इन्होंने बहादुर शाह जफर के दरबार से वाबस्ता हो गए थे, और बहादुर शाह जफर ने इनको उस ज़माने की तारीख लिखने के कहा था कि आप फारसी जबान में उस ज़माने की तारीख लिखें। इन्होंने तारीख लिखना भी शुरू किया था, और उसका जो एक हिस्सा जो है मुकम्मल भी कर लिया था। दूसरा हिस्सा इस वजह से शुरू नहीं हो पाया कि 1857 का गदर हो गया, पहली जंग आज़ादी जिसको कहते हैं, उसके बाद से जो हालात चूँकि ख़राब हो गए, बेहद से बदतर हो गए, तो उसको छोड़ दिया। तो इनके फारसी नस्र में एक तो वो किताब है, और मेरे नीमरोज है, और इनके फारसी नसर में खतूत भी हैं। अच्छा। इसके बाद उन्होंने जो उर्दू में जो खतूत लिखना शुरू किया वो 1849 में लिखने शुरू किए जो है जी। तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आराधना जी ने किया था कि इनके खतों मतलब कि खतूत जी की शुरुआत कैसे और कब हुई? इनके ख़तों की शुरुआत 1849 में उर्दू में लिखना शुरू किया, और उसके पहले फारसी नसर में लिखा करते थे। लेकिन उर्दू की तरफ चूंकि उर्दू ज़बान अवाम की मकबूल ज़बान बन रही थी, इसलिए इन्होंने 1849 में उर्दू में लिखना शुरू किया। और जो खतूत लिखा करते थे दोस्तों को, सरपरस्तों को, और मुख्तलिफ लोगों को, मद्दाहों को जो इनकी तारीफ करने वाले थे, बहुत सारे लोगों खतूत लिखे। लेकिन उन्होंने कभी इन्हें कभी यह अंदाज़ा नहीं था कि हमारे यह खतूत कभी छप जाएंगे या छपेंगे होंगे। लेकिन जब दोस्तों ने इनको इस तरीके से इसरार किया, इनके मद्दाहों ने कहा कि भाई आपके खत में बड़ी दिलचस्पी है, बहुत अट्रैक्शन है, और इसको छपना चाहिए, तो फिर उनको ख्याल आया। तो फिर उन्होंने दोस्तों से कह सुनकर, जहाँ जहाँ लोग थे उनसे कहकर वो खतूत मंगवाए, कुछ दोस्तों ने फराहम किए, इस तरह इनके खतूत का छपना शुरू हुआ। जिसमें से इनकी ज़िंदगी में पहला जो शाया हुआ था वो उदय हिंदी था जो है, पहला मजमूआ खतूत का उदय हिंदी था। इसको जो पहला जो आपके सामने ये किताब की शक्ल में यह मौजूद है, उदय हिंदी। इन
इनकी वफ़ात के कुछ ही दिनों बाद जो है दूसरा मजमुआ शाइबा मनने के बाद उसका नाम उर्दू मुअल्ला है। तो इस तरह इनकी दो ये उर्दू खतूत के दो मजमुए शाये हो चुके थे, लेकिन बाद में भी खतूत दरियाफ्त होते रहे। जिन दो लोगों के पास थे लोगों ने कैसे उनके देते रहे इनके घर बंदाओं को, दोस्तों को, और दोस्तों ने उसको कलेक्ट करके बार बार उसको जो है छापते रहे, तहकीक करते रहे, और इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ता रहा। तो खतूत का इनका तकरीबन जो है इनको समझते हैं कि 900 खतूत तो या कुछ ज़्यादा ही होंगे इससे। अच्छा, जी काफ़ी खतूत हैं जो है, तो इस तरह जी। तो सर अगर हम बात करें कि इन लेटर्स का नेचर कैसा था, तो उसको कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए लेटर्स जो लिखे जाते हैं तो ज़ाती ज़िंदगी की होती है इसमें इंसान की जो है, और जो लेटर लिखे जाते हैं वो मुख्तलिफ़ हालात के तहत लिखे जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ कैफियत के तहत लिखे जाते हैं, तो उसमें हर तरह की बातें आ जाती हैं जो है। उस ज़माने के अगर हम ये कहें कि अपने गालिब ने अपने रोज़मर्रा के माहौल में हंसते बोलते उड़ते हंसते हुए पेंशन की तलाश में सरगर्दा फतूह की फ़िक्र में, यानी कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, और उसमें है फिर दोस्तों शागिर्दों से बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू की है, उसमें कभी बाद और सागर से दिल बहलाते हैं, कभी फिक्र सुखन में गर्क हैं, कभी मकरूज़ों पर बरहम यानी जो कर्ज़दार हैं उनके अगर कर्ज का वादा करते तो उन पर बरहम हो जाते हैं, अपनी बरहमी का इजहार करते हैं, और कभी अपनी आँखों के सामने अपनी बिसात को वीरान यानी अपनी दुनिया को वीरान देखते हैं। तो इसमें सारे मौजूदात हैं, कोई एक ऐसा मौजू नहीं है किसी एक पे, नेचर इनके सारे अलग अलग, इनके में गालिब की शख्सियत भी है, उनका माहौल भी है, उनके मिजाज भी हैं, उनके मशागिल यानी उनकी जो है क्या क्या काम करते हैं, तो वो जो है। तो गालिब के खतूत को एक तरह से हम समाजी दस्तावेज़ कह सकते हैं जो है, ये इसमें इसकी सियासी हैसियत भी है, समाजी हैसियत भी है, और तहजीबी हैसियत भी है। गालिब के खतूत अगर आप पढ़ेंगे तो उस ज़माने की एक पूरी तहजीब हमको नज़र आती है कि किस तरह चलती फिरती दुनिया उसमें नज़र आती है, और गालिब के खतूत से लोगों ने उनके हालात ज़िंदगी को भी मुरतब किया है। बहुत से खतूत में उनकी ज़िंदगी के हालात उन्होंने खुद लिख कर भेजे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो कि 1857 की जो पहली जंग आज़ादी थी, उस जंग आज़ादी के बारे में गालिब ने अपनी आँखों से जो हाल देखा, जो महसूस किया, देखा, घर में बंद रहते थे, निकलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उनको सारी खबरें मिलती रहती, तो उसको उन्होंने बड़ी तफसील से अपने दोस्तों को, अपने मद्दाहों को, सरपरस्तों को, शागिर्दों को, जहाँ जहाँ जो जिनसे जिनसे भी मरासिम थे इन्होंने लिखे। और इनकी शख्सियत बड़ी दिलचस्प थी, एक बागो बहार शख्सियत थी। कभी उन्होंने इनके यहाँ एक अनानियत तो थी, ईगो था इनके, लेकिन इनको ईगो या अनानियत ऐसी नहीं थी कि जो इनको तन्हा कर दे, लोगों से अलग कर दे, बल्कि इनकी अनानियत ऐसी थी कि लोग इन उसकी तरफ खुद ब खुद खींचते चले जाते थे। ये बड़ी अजीब बात थी गालिब की, एक बागो बहार शख्सियत के मालिक थे जो है, और वो उनकी शायरी में भी नज़र आती है, उनके खतूत में भी नज़र आती है। शायरी में तो उनके यहाँ यह है कि बड़ी खुददारी है, उल्टे फिराए दर काबा अगर वा ना हुआ, हम काबा के दर पर जाते हैं, अगर उसका दरवाज़ा बंद है तो हमें इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो उस वक्त जाएंगे जब काबे का दरवाज़ा खुला होगा तभी हम इबादत करेंगे, वहाँ तो गालिब का ये है। लेकिन ज़ाती ख़तों में अपने निजी मामलात को अपने दोस्तों से, मद्दाओं से, सरपरस्तों से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हुए नज़र आते हैं कि कहीं से हमें ये मिल जाए, कहीं से मिल जाए, हमारे में ये पेंशन का मसला हल हो जाए, तो वहाँ गर्ज की गालिब की पूरी ज़िंदगी जीती जाती है एक नज़र आती है गालिब के ख़तों में। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ सर, सोसाइटल स्टोरीज होती थी काइंड ऑफ इनके लेटर्स में, तो क्या रीज़न है कि इसको सिलेबस में डाला गया है? अच्छा। और हम इसे क्यों पढ़ते हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। गालिब के अगर हम नसर, ये जाहिर बात है कि ये सारे लेटर्स इनके प्रोज में हैं, तो प्रोज कोई उर्दू नसर की इब्तिदा कैसे हुई, कब हुई, अगर हम पहली किताब देखें उर्दू नसर की इब्तिदा में, तो मीर अमन की बागो बहार मिलती जो फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत लिखी गई थी। उसके पहले भी अगर हम दक्कनी अदब में जाएं तो वहाँ सबरस में मिलती है। दक्कनी अदब हमारी ये मौजूदा उर्दू से ज़रा मुख्तलिफ है, आज भी उसमें जो है अल्फाज कुछ उस ज़माने के अल्फाज जो बोले जाते थे, तो कुं है, सूँ है, सहा, इस तरह अब वो अल्फाज नहीं बोले जाते हैं। तो सबरस को हम जब पढ़े, सबरस के बाद बागो बहार करबल कथा लिखी गई, करबल कथा के बाद जो बागो बहार लिखी गई, और बागो बहार के बाद फसाने जाए भाई, तो इन किताबों का अंदाज बहुत पुरतकल्लुफ था, पढ़ना इनका पढ़ना, इनकी किरात करना आसान नहीं है, रीडिंग आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जब तक कि आप उर्दू जबान में महारत हासिल नहीं कर लेंगे उस वक्त तक आप इसको नहीं पढ़। लेकिन गालिब के खतूत में एक बड़ी बेतकल्लुफ़ी है, बहुत आसान जबान में इन्होंने लिखा है, और ख़त लिखने के जो इनके यहाँ पुराने तरीके थे वो खत्म कर दिया, अलकाब व आदाब जिसमें जो है पहले एक पैरा होता था, फिर उसके
بعد بعد میں مقفہ عبارت لکھتے تھے، لیکن وہ انہوں نے اکثر اس انداز کو بدل دیا. تو چونکہ اردو نثر میں کی اہمیت میں، یعنی اردو نثر کے فروغ میں غالب کے خطوط کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، اس وجہ سے اس کو نصاب میں کہیں بھی کوئی بھی یونیورسٹی ہو، کوئی بھی کالج ہو، غالب کے خطوط پڑھائے جاتے ہیں ہمیشہ. جو ہے ان کی زبان کو سمجھنے میں، زبان کس طرح تبدیل ہوتی ہوئی، یعنی کربل کتھا سے یا صبرت سے کس طرح تبدیل ہوتی ہوئی اردو نثر غالب کے خطوط تک آئے. اسی زمانے میں سر سید احمد خان بھی تھے جو بہت بڑے ایجوکیشنل اور ریفارمر تھے، سوشل ایجوکیشنل ریفارمر تھے، ان کے یہاں بھی سادگی ہے پورتا، لیکن ان کے یہاں زیادہ تر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں منطقی انداز ریشنلزم ہے. غالب کے یہاں بھی یہ ہے، لیکن غالب نے اس کو بہت آسان بنا کے پیش کیا تاکہ اتحاق نہ ہو. تو اردو نثر کی ارتقاء میں غالب کے خطوط کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس پورے سسٹم کو سمجھنے کے لیے غالب کے خطوط کو ہمارے نصاب میں شامل کرنا ہم لوگ سمجھتے ہیں. اور تقریباً ہمارے یہاں کیا صرف ہندوستانی نہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں بھی اردو ہے غالب کو پڑھایا جاتا ہے. یہ عالمی ادب میں غالب کے ادب خطوط کی بڑی اہمیت ہے جو ہے. سر یہیں پہ ہمارے ایک درشک کا پرشن آیا ہے یوٹیوب کے تھرو، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی کسی بک کو اگر آپ بتا سکیں جس میں لیٹرز آف غالب ہو. اچھا ہم نے دو کتابوں کا ذکر دیا، ایک تو اودے ہندی، ایک اردے ملا. اس کے بعد لوگوں نے الگ الگ ان کے خطوط کو مرتب کیا، شائع کیا. مولانا غلام رسول مہر نے دو جلد مرتب کیا ہے، پروفیسر آل احمد سرور نے عکس غالب کے نام سے لیٹرز کو مرتب کیا ہے. وہ صرف طلبہ کی ضرورتوں کے لحاظ سے، ظاہر سی بات ہے کہ پورے لیٹرز کو ایک جگہ کمپائل نہیں کیا جا سکتا، مرتب نہیں کیا جا سکتا. اور خلیق انجم صاحب نے اس کو غالب کے خطوط پانچ جلدوں میں مرتب کیا ہے، غالب کے خطوط کے نام سے ہی جو ہے. اچھا. اس طرح جی ہے. تو اس طرح کتابیں تو ان کی بہت مرتب ہوئی، لیکن اصل جو کتاب ان کی اردو ہندی اور اردو محلہ جو غالب نے اپنے ہاتھ سے ترتیب دیا تھا وہ. ٹھیک ہے، میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گی اگر آپ کے اور بھی پرشن ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب چینل این سی ای آر ٹی آفیشیل کے تھرو بھی ہم سے پرشن پوچھ سکتے ہیں ابھی شو کے دوران. سر آگے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یہ لیٹرز خاص ہیں جیسا آپ نے بتایا جی، تو اس کو پڑھانے کا طریقہ بھی خاص ہونا چاہیے. اچھا نہیں، پڑھانے کا طریقہ تو خاص بالکل ہونا چاہیے. تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ٹیچنگ ایک فن ہے، اور ایک فن ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لیٹرز ہمارے ہیں، جتنی بھی صنف ہم پڑھاتے ہیں، غزل ہو، قصیدہ ہو، مرثیہ، مثنوی یا اور بھی داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ہر ایک کا کہیں نہ کہیں طرز جداگانہ ہوتا ہے. لیکن غالب کے خطوط کو جب پڑھاتے وقت ہم تو طالب علموں کو یہ بتانا چاہیے، خط سے کہتے ہیں، خط کا فارمیٹ کیا ہے، اس کے فارمیٹ بھی روشنی ڈالیں، خط لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں، خط جس کو لکھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، تو اور خط کا سنگولر کیا ہے، پلورل کیا ہے، اس طرح ساری چیزیں اس میں تو آتی ہی آتی ہیں اور آنی بھی چاہیے. جیسے خط کو ایک خطوط کہتے ہیں، اور خط کو ایک اس کا ایک اور نام ہے مکتوب. اس کی دو طریقے سے جمع بنتی ہے، مکتوبات یا تو کہیں یا مکاتیب کہیں، یہ پلورل بن جاتا ہے. جو ہے خط لکھنے والے کو مکتوب نگار کہتے ہیں، اور جسے خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب بلیغ کہتے ہیں، یعنی جس کے پاس خط لکھا جاتا ہے. تو یہ اس کے پڑھانے کا طریقہ، ظاہر بات ہے اگر خط میں کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کی وضاحت کر دینی ضروری ہے، اس کا کوئی اقتباس ہے تو اس میں کیا بات کہی اس کی وضاحت کر دینی ضروری ہے. لیکن ان سب سے بڑا ہم کو یہ دیکھنا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ غالب کے خطوط ہماری اردو نثر کا ایک بہت اہم جو ہے حصہ ہے، یعنی ہماری اس میں کس طرح سے یہ ایک رفتہ رفتہ کلاسیکل اردو سے، یعنی کربل کتھا سے لے کے یا صبرت سے لے کر آگے تک غالب کے خطوط تک آنے تک نثر کس طرح بدلی ہے. تو ہمیں اس پر زیادہ توجہ دینی ہے کہ غالب کی نثر میں وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو ہماری توجہ کا مرکز بنتی ہے، جس میں ہماری سماجی صورتحال ملتی ہے، سیاسی صورتحال ملتی ہے، ادبی صورتحال ملتی ہے، اور تہذیبی صورتحال ملتی ہے. اس طرح سے جو ہے سارے اسپیکٹس کو لینا چاہیے جب کہیں غالب کے خطوط کی تدریس مکمل ہوگی. مثال کے طور پہ غالب کا انداز بڑا مختلف تھا، جب وہ بات کرتے تھے، خطوط لکھتے تھے، تو ہمیشہ ایک ہی انداز نہیں لکھا کرتے تھے. انداز انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ میں نے اپنے خط کے بارے میں خود کہا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، یعنی مراسلہ جو کچھ لکھ کر بھیجا جائے. اچھا. اور مکالمہ اس کو کہتے ہیں ڈائیلاگ، گفتگو کے انداز میں. میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، بزبان قلم ہزار کوس سے باتیں کیا کرو، ہجر
مثال کے مزے لیا کرو، ان کا یہ کہنا ہے، یعنی ہزار کوس کتنے بھی فاصلے پر آپ موجود ہیں، قلم کی زبان سے یعنی قلم سے لکھ کر آپ باتیں کر سکتے ہیں اور تنہائی میں ان سے لطف اٹھا سکتے ہیں. ہجر میں وصال کا مطلب، وصال کہتے ہیں ملنا ملانا، تو جو اچھا ہے تو اس طرح سے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ خطوط یہاں پر اگر پڑھ کر سناتے ہیں تو تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، ان کو تھوڑا سا غالب کے خطوط کو سمجھنے میں. ایک خط بڑا دلچسپ ہے کہ غالب یہ نہیں کہتے کہ میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں یا ایسا دنیا میں آیا، بلکہ دنیا کو انہوں نے ایک قید خانہ تصور کر لیا ہے. اچھا ہاں، کہ دنیا ایک قید خانہ ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں، یہاں جو کچھ ان کے اپنے اعمال کے حساب سے سزا ان کو دوسری دنیا میں ملتی جب یہ چلے جائیں، سزا یا جزا جو کچھ بھی نیک کام کریں یا تو، لیکن نہیں کہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، میرے ساتھ بالکل الٹا ہوا. اچھا ہاں، تو وہ کہتے ہیں کو پڑھ دیتے ہیں غالب، تو یہ غالب کے الفاظ ہیں، سنو عالم. تو یہ میر علاء الدین احمد خان علائی کے نام، ان کے اچھا دوستوں ان کو لکھتے ہیں، اور ان کو مخاطب کیا جان غالب، القاب و ادب کچھ نہیں لکھا جاتا، بس جان غالب، جان غالب کی جان. سنو، عالم دو ہیں، ایک عالم اروا اور ایک عالم آب و گل. یعنی عالم اروا یعنی روحوں کی دنیا، جہاں مرنے کے بعد آدمی جا چلا جاتا ہے، وہ عالم اروا اس کو کہا ہے. اور ایک عالم آب و گل، یعنی عالم آب و گل جس میں ہم اور آپ یہاں پر رہ رہے ہیں سب. آپ کہتے ہیں پانی کو، گل کہتے ہیں مٹی کو، یعنی پانی اور مٹی کی دنیا. حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے جو ہے. ہرچند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گنہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں. یعنی اب یہ کہ مجھے یہاں دنیا میں بھیج کر سزا دینے کے لیے مجھے بھیج دیا گیا، یعنی یہاں جتنی تکلیفیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، وہ آپ کے لیے سزا. بڑا دقت ہے. چنانچہ میں 8 رجب 1212 ہجری میں روبکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا. اس میں 1212 ہجری لکھا ہے، 1212 ہجری کو جب ہم عیسوی میں بدلیں گے تو 1757 نکلتا ہے. اسی طرح وہ آگے بہت طویل خط ہے، پورا ہم نہیں پڑھیں گے. اسی اچھا 13 برس حوالات میں رہا، میں نے بتایا 13 برس حوالات میں رہا، دنیا میں قید رہا. 7 رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دوا میں حبس صادر ہوا. یعنی 13 برس کی میں ان کی شادی ہو گئی، تو شادی کو ایک جو ہے اپنے پاؤں میں زنجیر سمجھ لی کہ اب میں جو ادھر ادھر بھاگتا تھا وہ میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی گئی، اب میں بھاگ نہیں سکتا، میرے یعنی میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے جو ہے. اچھا، اور آگے لکھتے ہیں کہ اب 2 ہتھکڑیاں اور بڑھا دیں، پاؤں بیڑی سے پگھار، ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخمدار. یعنی کے بھائی کے بیٹے تو مشقتیں مقرر ہی اور مشکل ہو گئی، یعنی اور محنت اور مشکل ہو گئی، طاقت یہ قلم زائل ہو گئی، بے حیا ہوں. سال گزشتہ بیڑی کو زاویہ زندہ میں چھوڑ میں دونوں ہتھکڑیوں کے بھاگا، میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا رام پور پہنچا، کچھ دن کم 2 مہینے وہاں رہا تھا کہ پھر پکڑا آیا. اب عہد کیا کہ اور نہ بھاگوں گا. بھاگوں گا کیا، بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی. حکم رہائی دیکھیے کب صادر ہو. ایک ضعیف سا احتمال ہے کہ اسی ماہ ذی الحج 1277 ہجری میں چھوٹ جاؤں. یعنی وہ اپنی تاریخ، ایسے بہت جگہوں پر اپنے مرنے کی تاریخ انہوں نے خود نکال لی ہے. اچھا. اور اس خط میں بھی انہوں نے نکال لی کہ ہو سکتا ہے کہ 1871 عیسوی میرا انتقال ہو جائے. تو اس طرح یہ خط اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے. اسی طرح ایک خط اور نواب امین الدین احمد خاں کے، یعنی کسی کے انتقال کو ہو جائے، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ اظہار غم کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، لیکن غالب کے یہاں ایک تو ان کا انداز ہے، وہ ایک شوقی بھی ہے. اچھا. یہ خود بھی ہنستے ہیں، دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں، اور غم کے پہلو میں بھی جو ہے کہ ہنسنے ہنسانے کا پہلو نکال لیتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اب جو ہے ایک نواب امین الدین خاں ہیں، ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ لکھتے ہیں، بہت دنوں بعد ان کو خط لکھا ہے، تو لکھنے کے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب، آج تک سوچتا رہا کہ بیگم صاحبہ کے انتقال کے بعد میں کیا تم کو کیا لکھوں، آج تک سوچتا رہا، اس کا مطلب کہ زمانہ گزر گیا اور میں خط نہیں لکھ پایا. لیکن انہوں نے ایک جملے میں اس کا جو ہے کم تلافی کر دی کہ میں سوچتا رہا تو رہا تھا، لیکن مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے کیا لکھوں. جو ہے تعزیت کے واسطے 3 باتیں، یعنی کسی کی موت کی ہمدردی پہ 3 باتیں کہی جا سکتی ہیں، اظہار غم، تلقین صبر، دعائے مغفرت. سو بھائی، اظہار غم تکلف محض ہے، جو غم تم کو ہوا ہے ممکن نہیں کہ دوسرے کو ہوا ہو. تلقین صبر بے دردی ہے، یہ سانح عظیم ایسا ہے جس نے غم رحلت نواب مغفور کو تازہ کیا. بس ایسے موقع پر صبر کی تلقین کیا کی جائے. رہی دعائے مغفرت، میں کیا اور میری دعا کیا، مگر چونکہ وہ میری مربیہ اور محسنہ تھیں، یعنی تربیت کرنے والی تھیں، احسان کرنے والی تھیں، دل سے دعا نکلتی ہے. تمہارا یہاں آنا سمجھ جاتا تھا،
इस वास्ते खत न लिखा, दूसरी वजह यह लिख रहे हैं। अब जो मालूम है कि दुश्मनों की तबीयत नासाद है, इस सबब से आना ना हुआ, ये चंद सतरे लिखेंगे, हक ताला तुमको सलामत और तंदुरुस्त और खुश रखे। जो है इसी तरह और बहुत सारे खतूत इस तरह के हैं। एक खत और बड़ा दिलचस्प है, एक उर्दू में अरबी या फारसी में एक तरीका यह है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो तारीख़ की नाम या मौत पर भी ना उनकी ऐसी तारीख निकाली जाती है मौत, तो किसी ने इनसे दरख्वास्त की, गुजारिश की मिर्ज़ा गालिब से कि हमारे बच्चे का तारीख़ी नाम लिख दीजिए, रख दीजिए। तो इन्होंने मना तो नहीं किया कि फुर्सत नहीं है, यह नहीं है, बहाना भी, लेकिन अब उसका जवाब किस तरह देते हैं। अलाउद्दीन खां के नाम, अलाउद्दीन खां तेरी जान की कसम, मैंने पहले लड़के का इसमें तारीखी नज्म कर दिया था, वो लड़का ना जिया, मैंने उसका तारीखी नाम रख दिया था लेकिन वो लड़का ना जिया। मुझको इस वहम ने घेरा है कि मेरी नहोसत ताले की तासीर थी, यानी ये मुझे वहम है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, जिसके साथ अगर मैं अच्छाई करना चाहता हूँ तो उसका नतीजा बुरा निकलता है। मेरा ममदूह जीता नहीं, यानी जिस ममदूह जिसकी तारीफ की जाए, नसीरुद्दीन खां हैदर और हमजा अली शाह एक एक कसीदे में चल दिए, वाजिद अली शाह तीन कसीदों के मुतमिल हुई है, फिर ना संभल सकें, जिसकी मदह में 10-20 कसीदे गए वो अदम से भी परे पहुँचा। ना साहब भाई खुदा की, मैं ना तारीख़ी विलादत कहूँगा ना नाम तारीख़ी ढूँढूँगा, हक ताला तुमको और तुम्हारी औलाद को सलामत रखे और उम्र दौलत इकबाल अता करें। इस तरह से बहुत सारे खतूत जो बड़े दिलचस्प हैं, जो हैं उनके यहाँ ये जो हमारे अभी 12वीं के निसाब में शामिल उसका गर्मी का है, गर्मी पड़ रही शदीद है, रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़े का तो रोज़ा वोदा तो ये रखते नहीं थे, लेकिन किस तरह से उसका जवाब ये देते हैं, गर्मी का हाल क्या पूछते हो, ये मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम है, गर्मी का हाल क्या पूछते हो, इस 60 बरस में ये लू और ये धूप और ये तपिश नहीं देखी, 6वीं 7वीं रमज़ान को मैं खूब बरसा, ऐसा मैं जेठ के महीने में भी कभी नहीं देखा था, अब मैं खुल गया है, अब घिरा रहता है, हवा अगर चलती है तो गर्म नहीं होती और अगर रुक जाती है तो कयामत आती है। दो अजीब कंट्रडिक्शन पहलू निकाले हैं, हवा अगर चलती है तो गर्म नहीं होती और अगर रुक जाती है तो कयामत आ जाती है, धूप बहुत तेज़ है, रोज़ा रखता हूँ मगर रोज़े को बहलाए रहता हूँ, कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया, कभी कोई टुकड़ा रोटी का खा लिया, यहाँ के लोग अजीब फहम और तुरफा रविश रखते हैं, मैं तो रोज़ा बहलाता रहता हूँ और ये साफ फरमाते हैं कि तू रोज़ा नहीं रखता, ये नहीं समझते कि रोज़ा ना रखना और चीज़ है और रोज़ा बहलाना और बात है। तो इस तरह से अगर हम देखें ग़ालिब के खतूत को जितने भी हम पढ़ते जाएंगे, मुतला करते जाएंगे, मुख्तलिफ मौजूदात में उनके यहाँ बड़े दिलचस्प अंदाज में खत लिखा गया जो है। तो सर आपने काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से समझाया और इनफैक्ट मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, तो मैं आगे ये समझना चाहूँगी कि स्कूली शिक्षा में ये खतूत शामिल है जी, तो किस तरीके से बच्चों के बीच में इसे दिलकश बनाया जाए। तो बच्चों के दिलकश में एक तो ग़ालिब के खतूत को हम सही तरीके से उनको पढ़ाएँ, उनके जो अल्फाज क्या इस्तेमाल किए गए हैं, काफ़िया कहाँ इस्तेमाल किया गया, क्या खूबी उनके ज़बान की, सबसे बड़ी खूबी हमें ये बच्चों को जहन नशीन कराना है, क्योंकि आजकल जो है ख़त लिखने का रिवाज बिल्कुल ख़त्म हो गया, जब से मोबाइल आया और कुछ आया हो तो व्हाट्सअप चल रहा है, लेकिन अब इस पर भी लोगों ने अपनी बात लिखनी शुरू कर दी है। तो हम ग़ालिब के खतूत को पढ़ाने के बाद कुछ प्रोजेक्ट बच्चों को दे सकते हैं कि इसी अंदाज़ का ख़त आप अपने दोस्तों को लिखिए, अपने वालिद को लिखिए, अपने और लोगों को लिखिए, जो रिश्तेदारों को लिखिए, जो है तो इस तरह से कहीं ना कहीं अगर हम ग़ालिब के खतूत को बराबर पढ़ते रहें, उससे इस्तेफादा करते रहें और उसी तरह अगर ख़त लिखते रहें तो एक वक्त ऐसा है कि हमारे खतूत भी बड़े दिलचस्प हो जाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम ग़ालिब की तरह ही ख़त लिखें, अच्छा ग़ालिब के इसके अलावा भी ख़त लिखे जा सकते हैं, ग़ालिब के बाद शिबली ने भी ख़त लिखे, मेहदी अफादी ने भी लिखे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी लिखे, मंटो ने भी लिखे, चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी ने भी ख़त लिखे, लोग तो सभी के खतूत में दिलकशी और दिलचस्पी तो होती है, लेकिन दो दिलचस्पी मिर्ज़ा ग़ालिब के खतूत में है वो दूसरों के यहाँ नहीं है जो है। तो हम अपनी फिक्र से, अपनी कोशिश से, अपनी मुस्तकिल मेहनत से ग़ालिब के खतूत को पढ़ते लिखने की कोशिश करें, उस तरह का पैदा कर सकते हैं, बहुत लोग से लोगों ने की लेकिन कामयाब नहीं है, लेकिन ख़त लिखने का एक फन आ जाएगा, अपनी बात को कहने का तरीका आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हाँ जी, सर आपने प्रोजेक्ट्स मेंशन किया, तो अगर आप एक दो उदाहरण दे पाए
किस तरीके के प्रोजेक्ट्स टीचर्स कंडक्ट करवा सकती हैं नहीं, क्लासरूम टीचर में? से कंडक्ट करवा सकते हैं कि भाई गालिब के खतूत जो है, एक तो ये हो सकता है कि आपके निसाब में जो खतूत शामिल है गालिब को, उन्हीं खतूत को आप अपनी जबान में अपने वालिद को लिखिए, कोई और एक तो ये हो सकता है, उन्हीं खतूत को आप लिखवाइए जो। दूसरा ये हो सकता है कि अपने पेरेंट्स को दें, अपने पेरेंट्स को, दोस्तों को, कोई और उसी मौजू पर, कि आप भी इसी तरह का कोई और खत लिखकर जो है इस तरह के, तो प्रोजेक्ट तो इस पर बहुत बन सकते हैं जो है। जी ठीक है हाँ सर, आपने मेंशन किया था अभी क्लासिकल उर्दू और अभी कंटेम्प्रेरी उर्दू, कंटेम्प्रेरी उर्दू या तो मॉडर्न उर्दू कह हाँ लीजिए जी, जी। तो इसके बीच में गालिब के हाँ जो खतूत है उसका स्थान कहाँ पर है? नहीं, गालिब तो हमारे मॉडर्न उर्दू नस्म में गालिब का पहला मुकाम है, यानी यहीं से हम उसके पहले सर सैयद को भी लेते हैं, लेकिन जो जो शोहरत उर्दू नस्र में मिर्ज़ा गालिब के खतूत को मिली और सर सैयद को उतनी नहीं मिली, बाद में वो भी मशहूर है, उनके यहाँ भी आर्टिकल है, इंशाइयाँ हैं, सब कुछ है, हाँ जी लेकिन गालिब की दिलचस्पी की अपनी एक वजह है कि इनके यहाँ जो बेतकल्लुफ़ी है, यानी बेतकल्लुफ़ी भी है, दोस्तों से इखलास है, मोहब्बत है, मुरुव्वत है, कभी उनको खुद पे हंसते हैं, कभी दूसरों पे हंसते हैं, कभी गुस्से में भी होते हैं, तो उनके यहाँ हर तरह की कैफियत है, रंज भी है, मुसीबत भी है, तकलीफ़ें भी हैं, यानी कोई किसी एक तरह के इजहार नहीं, तो सारी, तो उसमें जो है उर्दू नस्र का मुकाम जो है, आप ये समझिए कि इब्तिदा जो है असल गालिब के नस्र से ही होती है, गालिब के खतूत से होती है, ये एक इल्मी नस्र भी कह सकते हैं, इसको अदबी नस्र भी कह सकते हैं, और इसको जो है हम रोज़मर्रा की ज़बान में इस्तेमाल भी कर सकते जो है। ठीक है। एक चीज़ गालिब के ख़तों के बारे में एक और सकते, आमतौर पर कहा जाता है कि उन्होंने मुकफ़ा इबारत ख़त्म कर दी थी, लेकिन नहीं, एक कलम तो मौकूफ़ कर दिया, यानी कैसे काफ़िए का अहतमाम करना जो गज़ल में होता है या कसीदे में होता है, लेकिन उन्होंने ख़त्म नहीं किया, लेकिन उनको इतनी चाबुक दस्ती से इस्तेमाल किया, इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है कि लोग उनके के वाह वाह करते हैं। दो चार इकतबास या किसी को ख़त लिखते हैं तो ओम या सज्जदज़ादे या आज़ादा दिल्ली के आशिक़ दिलदादा, अब आबादा और दिलदादा देखिए, ढे हुई है उर्दू बाजार के रहने वाले, हसद से लखनऊ बुरा कहने वाले, ना दिल में मेहर व आज़म, ना आँखों में हया व शर्म, निज़ामुद्दीन ममनून कहाँ, ज़ौक कहाँ, मोमिन खा कहाँ, एक आज़ुर्दा सो खामोश, दूसरा गालिब वो बेखुद वो मदहोश। आप देखिए काफिया यहाँ पूरा जो है, ना सुखनवरी रही ना सुखनदानी, किस बिरते पर तित्ता पानी, हाय दिल्ली वाय दिल्ली भाड़ में जाए दिल्ली, ये मीर मेदी मजरू के नाम लिखा है। एक और जगह लिखते हैं, सैयद साहब ना तुम मुजरिम ना मैं गुनहगार, तुम मजबूर मैं लाचार, लो अब मेरी कहानी सुनो, मेरी सरगुजश्त मेरी जबानी सुनो। तो बिल्कुल ऐसा है कि गुफ्तगू के अंदाज में बात करते, बातें कर रहे हैं बैठे जो हैं, तो इस तरह अगर उनको खतूत को देखें तो पूरा एक तवील सिलसिला है जो हमारी दिलचस्पी कम नहीं होती है, एक ख़त पढ़ने के बाद हम चाहते हैं दूसरा भी ख़त पढ़ें, तीसरा भी पढ़ें, हाँ जी और उसमें हमारी दिलचस्पी बरकरार रहती है। गालिब के दो तीन खत किसी ने पढ़ ली है हाँ जी और अगर उर्दू से उसको दिलचस्पी है, बल्कि दिलचस्पी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी, अगर उर्दू पढ़नी आती है तो वो खुद अपनी उर्दू को भी सुधार सकता है, हाँ उसमें जी इजाफा भी कर सकता है, बेहतर तरीके से उसको दूसरों को भी बता सकता है जो है। सर, यहाँ पे एक प्रश्न आया है फैसल जी का, वो पूछना चाह रहे हैं, गालिब जीनियस जी के हर पन्ने, लेटर्स के हर पन्ने काफी अथक और आकर्षित होते हैं, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो इसमें ऐसा क्या यूनिक है और क्या नहीं यूनिक है? नहीं इसमें सारी चीज़ों तो जिक्र में आ गई, जाहिर सी बात है कि बेतकल्लुफ़ ही सबसे ख़ास है। एक तो कभी उन्होंने कोई बात अपने दिल में नहीं रखी, हाँ जैसा जी मैं जैसा महसूस किया उन्होंने वैसे ही लिख दिया जो है, और कभी वो अगर नाराज़ भी होते हैं तो मतलब ये नहीं कि किसी से दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं, बल्कि वो समझाने के अंदाज में जो कहते हैं, और किसी से खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को जो है, अब जैसे हमने अभी दो तीन जब सवालात यहाँ बताए जो है, इकतबास पढ़े जो हाँ है जी पैराग्राफ, कि वो अगर किसी की मौत के भी गम का जिक्र करते हैं तो किस तरह करते हैं जो है, तो वो नाखुशगवार पहलू को भी खुशगवार फ़ज़ा में तब्दील करने का उनको फ़न आता है, यानी बुरे हालात में भी अच्छी सूरत हाल वो हाँ पैदा जी कर देते हैं, जो उनके ख़त की बड़ी खूबी रही है, उनकी अपनी शख्सियत की खूबी रही है, उनकी नसर बागो बहार नसर है, उनकी शख्सियत बागो बहार शख्सियत रही है जो है। तो इसी के साथ आज के इल्म के काफिले का अंत आ गया है। मुअज्जम जी, आपको बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी बेचारा। अगर आपकी कोई गुजारी या सवाल हो तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, तब तक देखते रहे किशोर मंच।